हेलो दोस्तों, मैं हूँ अक्षता। आज इस वीडियो में हम बात करते हैं साउथ एशिया के एक खूबसूरत देश फिलीपींस में स्थित दवाओ मेडिकल स्कूल फाउंडेशन के बारे में। वहाँ के दवाओ मेडिकल स्कूल फाउंडेशन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहता है और उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन फिलीपींस भी है। यहाँ के MBBS कोर्स का ड्यूरेशन 5.5 ईयर का रहता है, जिसमें से 1.5 ईयर BS कोर्स चलता है। उसे क्लियर करने के बाद यहाँ पे 4 साल का MD कोर्स चलता है। यहाँ का BS और MD कोर्स भारत के MBBS कोर्स के बराबर माना जाता है, क्योंकि ये WHO में लिस्टेड है और MCI से अप्रूव्ड है। यह यूनिवर्सिटी फिलीपींस में 1976 में स्थापित हुई थी, तभी से ये हज़ारों मेडिकल प्रोफेशनल वर्ल्ड वाइड दे चुकी है। दवाओ मेडिकल स्कूल फाउंडेशन के टाइप्स काफ़ी अच्छे हैं। इनका खुद का एक हॉस्पिटल है जो 4000 बेड की फैसिलिटी के साथ है। फॉर एग्जाम्पल, दवाओ डॉक्टर हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के मामले में वर्ल्ड की टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल क्लासरूम और कहे तो वर्ल्ड की काफ़ी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फूड की अगर बात करें तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और तीनों ही टाइम इंडियन फूड अवेलेबल रहता है, जो कि इंडियन कुक के द्वारा ही बनाया जाता है। हॉस्टल और फूड से जुड़ी हम बात करें तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको मंथली पे करना होता है और यहाँ पे आप ट्यूशन फीस सेमेस्टर वाइज पे कर सकते हैं। और उन्हें कई तरह की करिकुलम एक्टिविटीज़ कराई जाती है, उनमें कई तरह के क्लब भी शामिल रहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ का MCA मार्क्स का रेशियो काफ़ी बेहतरीन है। यह यूनिवर्सिटी दवाओ में ही है और यहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। तो ये थी जानकारी फिलीपींस के दवा मेडिकल स्कूल फाउंडेशन के बारे में। वहाँ के फी स्ट्रक्चर, लिविंग कॉस्ट के बारे में जानने के लिए हमसे कॉन्टैक्ट करें। फिर मुलाकात।